महंगाई के सुनामी ने एक बार फिर नवाब शाह के गरीब तबके पर बिजलियां गिरा दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने सब्जियां, फल, दालों समेत तमाम अशिया के नर्ख बढ़ा दिए हैं। मुनाफाखोर अलग बेलगाम हैं, गरीबों का हाल बेहाल हो गया है। नवाब शाह से अमजद अली अराई की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का तूफान ले आया। रोजमर्रा दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा मुतासर। सब्जियां, फल, दालें, गोश्त समेत तमाम अशिया महंगी। 100 रुपए की चीज 150 से तजावुज। मुनाफाखोर अलग बेलगाम। बामुश्किल दो वक्त की रोटी कमाने वाले अब एक वक्त के खाने के लिए परेशान। जाने लेने 1000 रुपया खुलवाओ तो वो 1000 रुपया 100 रुपए में खत्म हो जाता है। ठका गरीब बंदा मर गया। बहुत महंगाई हो गई, गरीब बंदा कहाँ जावे, परेशान लगा पड़ा है। आटा महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बंदा कारोबार क्या करे, कुछ भी बचड़ेल कहाँ जाए बंदा। नवाब शाह के शहरी कहते हैं हुकूमत अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाने के लिए संजीदा इकदाम उठाए तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। तीन चीजें कम कर दे तो हम खुशहाल हो जाएंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस, ये तीन चीजें। इंसान के लिए बहुत जीना हराम हो रहा है। जो पेंशन लोग मिलती है उसमें उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होगा। शहरियों का कहना था कि भूख से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, हुकूमत गरीबों के हाल पर रहम करे। कैमरामैन रफाकत अली के साथ अमजद अली अराई, 92 न्यूज़, नवाबशाह।